सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जी अपना नाम और परिचय बता दीजिए। हर्षित पाठक। हर्षित जी कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। यहाँ पे आप रैन बसेरा में रखे गए हैं, यहाँ पे क्या किसी प्रकार की असुविधा होती है? हर चीज़ आपको जिला प्रशासन द्वारा या नगर पालिका द्वारा टाइम से पहुँच जाता है? हाँ, कोई भी प्रॉब्लम, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम टू टाइम खाना आता है और बाकी लैट्रिन बाथरूम सब चीज़ यहाँ पर्याप्त है। क्या साफ़ सफाई की ध्यान रखा जाता है नगर पालिका द्वारा? हाँ, नगर पालिका द्वारा बीच बीच में साबुन, डिटॉल्स वगैरह, खाना वगैरह सब उपलब्ध। मेडिकल चेकअप भी होता है अक्सर आते रहते हैं। अगर से जिले की बात की जाए तो किस ग्रेड में इस जिले को माना जाए? सबसे बढ़िया बात यही है कि अभी तक यहाँ पे कोई केस नहीं है, इसलिए तो इसको A+ ही बोलेंगे। रैन बसेरा में जो तिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं, पहले उनकी संख्या 20 थी, लेकिन कुछ लोग हट गए, उसमें 14 लोग रुके हुए हैं। उनके लिए लगातार खाने पीने मेडिकल व्यवस्था सारा वहाँ हो रहा है। वहाँ विशेष मॉनिटरी है कि जब तक ये मैटर रहे तब तक इनको कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो। नगरपालिका लगातार प्रयास कर रही है ये भूखे ना मरे, इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष पाल है। आप यहाँ पे रैन बसेरे में क्या करते हैं? हम यहाँ पर केयर टेकर के पद पर हैं। यहाँ पे किनके द्वारा ये सारी सुविधाएं की गई और कितने लोग हैं? यहाँ पर करीब 13-14 लोग हैं और यहाँ की सारी सुविधाएं नगर पालिका देखती है। खाना वाना यहाँ के चेयरमैन संतोष खरवार जी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। टाइम और सभासद लोग भी कुछ अपना हेल्प करते हैं। क्या टाइम से आ जाता है? टाइम से यहाँ खाना आ जाता है। साफ सफाई क्या? साफ सफाई भी का ध्यान अच्छा रहता है। डिटॉल वटोल सब कुछ मिलता रहता है। मेडिकल के चेकिंग के लिए आते हैं डॉक्टर लोग चंदौली से। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।